मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 15,000 से नीचे हमें एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, वहीं 15,000 के आसपास हमें एक और प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G। तो चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि अगर दोनों में से बेटर कौन सा निकल कर आता है। बात करते हैं सबसे पहले लॉन्च डेट की। अगस्त 2020 में स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ है और नवंबर 2020 में डायमेंसिटी 700 लॉन्च हुआ है। तो डायमेंसिटी 700 लेटेस्ट प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और स्नैपड्रैगन 732G 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। जितनी कम फैब्रिकेशन प्रोसेस होती है स्मार्टफोन हमारा उतना ही पावर एफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो डायमेंसिटी 700 एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ले जाता है। दोनों ही हमारे ऑक्टाकोर 64-बिट प्रोसेसर हैं और दोनों में ही हमें कॉर्टेक्स A76 बेस्ड कोर मिलती हैं। डायमेंसिटी 700 में हमें दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 की मिलती हैं जो 2.2 GHz तक क्लॉक हैं, बाकी 6 कोर्स हमें कॉर्टेक्स A55 की मिलती हैं जो 2 GHz तक क्लॉक हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें स्नैपड्रैगन 732G में दो कोर्स मिलती हैं क्रायो 475 की जो 2.3 GHz तक क्लॉक हैं, बाकी जो 6 कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A55 की मिलती हैं जो 1.8 GHz तक क्लॉक हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम इनके परफॉर्मेंस की, दोनों में से कौन बेटर है। तो क्रायो 475 प्राइम जो कोर्स है वो A76 बेस्ड ही हैं और उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके इम्प्रूव करके को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्रायो 470 की जो कोर्स हैं वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है कॉर्टेक्स A76 से। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर हमारा स्नैपड्रैगन 732G थोड़ा सा बेटर निकल करके आता है। बात करते हैं GPU की। तो ARM का मालिक G57 MC2 GPU मिलता है डायमेंसिटी 700 में और स्नैपड्रैगन 732G में एड्रिनो का 618 GPU मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आसपास ही हमारी रहने वाली है। बात करते हैं रैम सपोर्ट की। दोनों ही हमारे डुअल चैनल LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं बट अप टू 12 GB 2133 MHz तक सपोर्ट करता है डायमेंसिटी 700 और जबकि स्नैपड्रैगन 732G अप टू 8 GB 1866 MHz तक सपोर्ट करता है। बात करते हैं कि स्टोरेज टाइप की। UFS 2.2 तक सपोर्ट करता है डायमेंसिटी 700 और स्नैपड्रैगन 732G UFS 2.1 तक ही सपोर्ट करता है। बात करते हैं कैमरा सपोर्ट की। डायमेंसिटी 700 64 MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 16+16 MP का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 732G हमारा 192 MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 22+22 MP का डुअल कैमरे को सपोर्ट करता है। 4K वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 732G से, जबकि केवल 2K वीडियो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे डायमेंसिटी 700 से। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो QHD डिस्प्ले का सपोर्ट हमें स्नैपड्रैगन 732G में देखने के लिए मिलता है, जबकि डायमेंसिटी 700 में हमें केवल फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। डायमेंसिटी 700 हमारा नेविक इनेबल्ड है जबकि स्नैपड्रैगन 732G में हमें नेविक का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। डायमेंसिटी 700 हमारा 5G प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 732G एक 4G प्रोसेसर है। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो 2.77 GBPS तक की पीक डाउनलोडिंग स्पीड है और 1.2 GBPS तक की पीक अपलोडिंग स्पीड है डायमेंसिटी 700 के पास में, जबकि स्नैपड्रैगन 732G में हमें 800 MBPS तक की डाउनलोडिंग स्पीड और 150 MBPS तक की अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल कंक्लूजन की, तो कुछ परफॉर्मेंस को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सब चीज़ों में डायमेंसिटी 700 यहाँ पर बैठने का करके आता है और 5G सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जबकि GPU हो या फिर परफॉर्मेंस हो वहाँ पर हमें लगभग ये आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आसपास रहने वाली है, जबकि 5G सपोर्ट होने की वजह से एक थोड़ी सी ए डायमेंसिटी 700 ले जाता है। यही कुछ बातें अंततः स्कोर भी क्लियर करती हैं कि दोनों आसपास हैं, क्योंकि दोनों का अंततः स्कोर 290,000 के आसपास ही जाता है, इससे ऊपर ये नहीं पहुंच पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी दमदार प्रोसेसर हैं और बिल्कुल एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और मुकाबला इनके बीच में टाई ही रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।